हेलो दोस्तों, आज आप आपको कोच के बीज के बारे में बताने जा रहे हैं। ये हमारे सामने कोच के बीज रखे हुए हैं, देख सकते हो आप। ये सफ़ेद रंग के कोच के बीज आप देख सकते हो। ये इनको कोच के बीज भी कहा जाता है, इनको कपी कच्छू भी कहा जाता है। इनको म्यूक्यूरा प्यूरियंस यानी लैटिन और इंग्लिश में म्यूक्यूरा प्यूरियंस कहा जाता है इनको। ये कई तरीके के मिलते हैं हमको मार्केट में। एक इनका जो रंग है वो काले रंग के कोच के बीज मिलते हैं, यानी काले कोच के बीज। एक ये सफ़ेद कोच के बीज आते हैं जो आप देख सकते हो यहाँ पर, और इसके अलावा एक मटमैले रंग के कोच के बीज भी इस्तेमाल होते हैं। एक धारीदार कोच के बीज भी आते हैं, तो ये करीब करीब सब एक ही जैसे होते हैं। इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, यानी इनके जो फ़वाद हैं, इनके जो गुण हैं, इनका जो स्वभाव है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। करीब करीब एक ही जैसे हमको ये देखने को मिलते हैं। इनका जो फ़ायदा है वो करीब करीब एक ही जैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्या क्या फ़वाद होते हैं। ये दरअसल आज मैं आपको इसका जो मुदब्बर करने का तरीका जो है, इसका जो शुद्ध करने का तरीका जो है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी अगर आप चाहें तो इसका यूँ ही पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो उस वक्त कम होता है। लेकिन अगर इनको मुदब्बर कर लिया जाए, इनको शुद्ध कर लिया जाए, तो इनका फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इनको मुदब्बर करने का, इनको शुद्ध करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये कोच के बीज लेने हैं, यानी 100 ग्राम कोच के बीज आपने ले लिए। फिर उसको आपको करीब 250 ग्राम या आधा किलो आपको दूध ले लेना है, और उस दूध में आपको 100 या 200 या 250 ग्राम कोच के बीज डाल देने हैं, और कम से कम 15-20 मिनट तक आपको उस दूध में इन कोच के बीज को पकाना है। और पकाने के बाद इनका जो ये छिलका है, ये देख सकते हो आप छिलका, इस पर छिलका होता है, इसके अंदर बीज होता है, तो ये छिलका मुलायम होकर उतर जाता है। तो आप फिर उसके बाद जो निकाल कर उसको गर्म करने के बाद, उबालने के बाद ठंडा करके आप इनको कोच को बीज को उसमें से निकाल लीजिए, और निकालने के बाद इनका जो छिलका है वो उतार लीजिए। ये आसानी से उतर जाएगा, क्योंकि ये जो उबालने के बाद ये छिलका इनका फूल जाता है, मुलायम हो जाता है, तो ये आसानी से उतर जाएगा। और जब ये छिलका आसानी से उतर जाए, तो आपको इसको धूप में सुखा देना है, और सुखाने के बाद फिर इसका पाउडर करना है। यानी अच्छी तरह सुखा लीजिए इनको, और फिर इसका पाउडर कीजिए, और फिर सुबह शाम आपको अलग अलग रोगों में, अलग अलग बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। यानी जो जो इसके इस्तेमाल हैं, जो यूनानी तिब्बी यूनानी में और आयुर्वेद में जिन जिन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और किन किन नुस्खाजात में, किन किन जो फार्मूलों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी मैं जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दे दूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके, इसके अलग अलग फार्मूले, अलग अलग इसकी पहचान, अलग अलग इसके जो फ़वाद हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मेरी अगली वीडियो में इसका इंतज़ार कीजिए।